सैमसंग गैलेक्सी A51 यानी जो सैमसंग गैलेक्सी A51 फाइनली दोस्तों हमारे इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जिसके लिए अभी तक आप सब इंतज़ार कर रहे थे सैमसंग गैलेक्सी A51 के लिए। सैमसंग गैलेक्सी A15 का लॉन्च हो चुका है आज इंडिया में दोस्तों, और क्या क्या हैं उसके स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या हैं उसके फीचर्स और सारे डिटेल्स आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A50 को अगर आप लेना चाहते हैं या फिर आप फर्स्ट सेल में रहते हैं या फिर आप लेना चाहते हैं दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र, आप देख रहे हैं जेडी टेक्निकल। दोस्तों आज वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले आपको और आपके लिए क्या क्या नया फीचर्स एग्जिट किया गया है, यानी कि नया फीचर्स आपके लिए क्या जुड़ा गया है सैमसंग गैलेक्सी A50 में। आप सब जानते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A50 और सैमसंग गैलेक्सी A50S के का ये रियल वर्जन है सैमसंग गैलेक्सी A51, जो कि आप सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा देखने के लिए। यानी कि सैमसंग गैलेक्सी A50 और सैमसंग गैलेक्सी A50S को देखने के बाद आप सीधे आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A51 को, यानी सैमसंग गैलेक्सी A51 के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा आता है डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले इनका बहुत ही अच्छा है, यानी 6.5 का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। एमोल्ड सुपर एमोल्ड डिस्प्ले है, जो कि बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन के साथ आता है। जिसमें कि इसका रेजोल्यूशन से बात करें तो इसमें आपको 1080 का और गुड़े 2400 का, यानी कि दो की वेट की बात करें तो आपको 172 ग्राम्स का इसका वेट मिल जाता है। अगर हम बात करें इसकी कैमरा क्वालिटी, तो यहाँ पे आपको तो आपको फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलता है। अगर वहीं बात करें हम अगर रियर कैमरे, तो यहाँ पे 4 आपको रियर कैमरा मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरे में अगर आप बात करें इसके, तो 4 कैमरे मिलते हैं आपको। साथ में पहला है 48 मेगापिक्सल का, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा था सेल्फीज के लिए, यानी 48 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5+5 का सेंसर के साथ आपको मिलता है, और 32 का फ्रंट कैमरा सेंसर आपके साथ मिलता है सैमसंग गैलेक्सी A51 में। अगर वहीं बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ प्रोसेसर आपको एक्टा का प्रोसेसर मिल जाता है। अगर इसकी बात करें इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको मिल जाता है चिपचैट एक्सनोस का, आपको 9611 का प्रोसेसर मिलता है। अगर वहीं बात करें एक्टा कोर के लिए, तो एक्टा कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज का एक्टा कोर प्रोसेसर साथ आता है। अगर हम वहीं बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एंड्रॉयड V10 यानी क्यू के ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करेगा। साथ में UI 2.0 के ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A51। अगर हम बात करें इसके बैटरी रेजोल्यूशन की, तो बैटरी यहाँ पे आपको मिल जाती है 4000mAh की बैटरी मिलती है। साथ में आपको यहाँ पे रैम और रोम की बात करें, तो यहाँ पे रैम आपको मिल जाता है 6GB वेरियंट में, वेरियंट का 6GB प्लस 128 यानी 128GB रोम के साथ आपको मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी A50। अगर वहीं बात करें इसकी बैटरी की, तो 4000mAh की बैटरी मिलेगी। साथ में आपको यहाँ पे आपको 15W का चार्जिंग सपोर्टेड भी मिलता है। और साथ में अगर इसकी कीमत की बात करें, तो यहाँ पे कीमत इसकी सीधे कहीं कहती है 23,999 रुपये है, जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A51 के 6GB रैम के लिए पड़ जाता है। अगर हम वहीं ऑनलाइन शॉपिंग पे सैमसंग गैलेक्सी के ऑफिशियल साइट पे होम हाउस पे आपको स्मार्टफोन 31 जनवरी से मिलना शुरू होगा। अगर आप लेना चाहते हैं या फिर इसे लेने के इच्छुक हैं सैमसंग गैलेक्सी A50, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि आप बहुत ही अच्छा दिखने को मिलता है। अगर हम वही बात करें डिस्प्ले क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, साथ में इसकी बैटरी रिजोल्यूशन भी अच्छी है, चार्जिंग सपोर्टिंग भी अच्छी है, तो यहाँ पे आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। अगर आप बात करें यहाँ पे इसके मिलने की, तो यहाँ पे 31 जनवरी से आपको ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे मिलने लगेंगे। साथ में आपको सैमसंग गैलेक्सी ऑफिशियल साइट पे और सैमसंग गैलेक्सी हाउस पे भी आपको ये स्मार्टफोन मिलने लगा सैमसंग गैलेक्सी A51। दोस्तों यही अपडेट आज सैमसंग गैलेक्सी A51 के कुछ ऐसे से रिव्यूज को लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया आया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई फिर मिलते हैं किसी नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।